राजधानी शिमला के ऐतिहासिक गेटी थिएटर में हिमाचल प्रदेश राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम द्वारा हथकरघा वस्तुओं की प्रदर्शनी एवं बिक्री का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का आयोजन 5 जनवरी से 11 जनवरी तक किया जा रहा है। राज्य हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम के असिस्टेंट मैनेजर रोहिल ने बताया कि हथकरघा उद्योग से जुड़े कारीगरों को अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए विभाग द्वारा मंच प्रदान किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रदेश में छुपी ऐसी प्रतिभाओं को सामने लाया जा रहा है जो प्रतिभा के धनी है। और जो ये एग्जीबिशन देख रहे हैं आप, एक डिस्ट्रिक्ट हैंडलूम एक्सपो है और ये जो वीवर्स हैं या बुनकर हैं जो हमारे हिमाचल में बहुत ही, जो उनको इतनी एक जो हर लेवल पे वो नहीं मिलता, एक एक्सपोजर नहीं मिल पाता हम, और जो गवर्नमेंट चाहती है कि उनको एक एक्सपोजर मिले। उनको एक्सपोजर कैसे मिलेगा, ये एक एक्सपो लगा के ताकि लोगों को पता चले। इस एक्सपो के बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको, ये एक 5/1/2023 से लेके 11 तक, जो कि 7 दिन का है, 7 दिन के अंदर चलेगा। और इसको जो कि स्पॉन्सर कर रहे हैं वो है टेक्सटाइल मिनिस्ट्री कर रही है, और जो इनको हम आयोजन कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट कॉर्पोरेशन सोसाइटी, हम इसको स्पॉन्सर कर रहे हैं, एग्जीक्यूट कर रहे हैं। और जो हमारे गेटी थिएटर में ये जो 7 दिन का जो एग्जीबिशन है, हमारा मोटिव है कि जो भी व्यूअर्स हैं हिमाचल प्रदेश के, जो भी दूर दराज इलाकों से, हम उनको प्रमोट करें, आगे लेके जाएं ताकि उन्हें एक मंच मिल सके। जो भी हमारे जो पहले विलुप्त हो रहे जो हैंडलूम के जो प्रोडक्ट्स हैं, चाहे वो शॉल है या कोई मफलर है या कोई स्टॉल है, कोई भी हैंडलूम चीजें हैं, हम उनको लोगों तक कैसे पहुंचाएं, उनकी मार्केटिंग कैसे करें। अगर जब तक लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो उस चीज को देखेंगे भी नहीं। अगर आज यहाँ पे गेटी में ये चीजें हो रही तो इतने सारे लोग आएंगे, उस चीज को हमारी जो संस्कृति है जो पहले हम हो चुके हैं उसको हम जो रिवाइव करें, वो देखेंगे कि नहीं ये हमारे जो ट्रेडिशन है, हिमाचल का ट्रेडिशन, या कुल्लू का है, कोई किन्नौर का है, या कोई चंबा का है, तो इस या कोई शिमला का है, तो इसमें लोगों को पता चले और अवेयरनेस होगी। जब तक अवेयरनेस होगी तो तब तक हमारे जो बीवर से ये पिछड़ते रहेंगे। तो मैं गवर्नमेंट, जो हमारी हिमाचल गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन्होंने इसके लिए हर साल जो कि एक्सपो लगाई जाती है, ताकि जो बीवर्स हैं उनको हम आगे से आगे लेके जाएं, और इन एक्सपो के माध्यम से ताकि पूरे हम लोगों को बताया जाए कि नहीं, जो बीवर्स हैं ये कितने हार्डवर्क करते हैं, और उनको जो हार्डवर्क का उसका रिजल्ट नहीं मिल पाता, वो हमारा यही मोटिव है ताकि हम और सोर्स लोगों तक पहुँचा सकें।